हेलो फ्रेंड्स, मैं शिखा श्रीवास्तव स्वागत करती हूं आपका अपने किचन में। आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूं कि एकदम फूले हुए मार्केट जैसे भटूरे हम घर में कैसे बना सकते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं भटूरे। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने मैदा ली है, 200 ग्राम्स मैदा है ये। 1/4 टीस्पून में यूज़ करूँगी नमक। 1/2 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग सोडा। 1 टीस्पून लिया है बेकिंग पाउडर। 1 टीस्पून पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी ली है। 2 टेबलस्पून में यूज़ कर रही हूँ दही। दही मैं बिल्कुल खट्टा यूज़ कर रही हूँ, इससे जल्दी फूलती है मैदा हमारी, जल्दी फर्मेंट हो जाएगी। 1.5 टेबलस्पून में यूज़ कर रही हूँ रवा यानी सूजी। 300 ml में यूज़ कर रही हूँ रिफाइंड ऑयल भटूरों को डीप फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले भटूरे बनाने के लिए हमें मैदा को गूंदना है, इसकी डो बनानी है। तो ये मैं बड़े बाउल में डाल देती हूँ मैदा को, और इसमें मैं डाल दूँगी सारी चीज़ें इसी में डालनी है। नमक डाल देते हैं, सूजी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, सारी चीज़ें हम इसी में ही डाल देंगे, और दही हाथ से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि हाथ से अच्छे से गुन जाती है मैदा। हाथ से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सारी चीज़ें अच्छे से मिल चुकी हैं, तो अब मैंने ये 1/2 कप थोड़ा सा हल्का गर्म पानी लिया है मैंने, और इसको पानी को थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे और एकदम सॉफ्ट मैदा गूंद लेंगे। तो ये थोड़ा पानी मैंने डाला और इसको गूंद लेंगे। एक साथ हम पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो मैदा जो है बहुत ज़्यादा गीली हो जाएगी। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और मैदा को सॉफ्ट गूंद लेंगे। तो थोड़ा सा पानी और मैं ले लेती हूँ हाथ में क्योंकि मैदा अभी टाइट है हमारी। इसको अच्छे से 1 मिनट तक गूंद लेते हैं ऐसे हाथ से। ये जो हथेली है इसको फोल्ड करके ऐसे, और ये उंगलियों से ऐसे गूंद लेंगे। मैंने एकदम सॉफ्ट गूंद लिया है हाथ से, मलमल के दबा दबा के मैदा को। ये सॉफ्ट हो गई है आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको एक कॉटन के गीले टॉवल से कवर कर देंगे, और इसको अगर गर्मियां हैं तो 2 घंटे के लिए, और अगर सर्दियां हैं तो 3 से 4 घंटे के लिए हम रखेंगे। तो अभी गर्मियां हैं तो मैं इसको 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने के लिए रख देती हूँ, कहीं पर भी कवर कर देंगे इसको। 2 घंटे हो चुके हैं, कवर हटा देते हैं। आप देख सकते हैं मैदा हमारी अच्छे से फूल गई है। तो हल्का सा हाथ पे ऑयल लगा लेती हूँ मैं इसको चिकना करने के लिए। थोड़ा सा हाथ से इस तरह से ऐसे दबा दबा के इसको सॉफ्ट कर लेंगे। कम से कम 1 मिनट तक हम इसको ऐसे दबा दबा के सॉफ्ट कर लेंगे। एकदम स्मूथ होनी चाहिए मैदा, तभी भटूरे अच्छे बनेंगे, नहीं तो भटूरे हमारे अच्छे नहीं बन पाएंगे। हाथ से दबा दबा के आप देख सकते हैं मैंने इसको 1 मिनट तक सॉफ्ट कर लिया है। देखिए एकदम चिकनी हो गई है मैदा। तो अब हम इसमें से लोइयां बना लेंगे। तो ये इस तरह से इसको हाथ से दबाया और ऐसे घुमा के ये एक लोई बन गई, और फिर से इसको ऐसे हाथ से घुमाया, ऐसे दबाया, और ये दूसरी लोई बन गई। और फिर से इसको ऐसे घुमा देंगे, और फिर से इसको हाथ से ऐसे करके ये 2 लोइयां ये बन गई। और अब इस लोई को हम क्या करेंगे, ये जो हिस्सा है इसको ऐसे करके इसको एकदम चिकना कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, तो सारी लोइयों को ऐसे ही कर लेंगे, और इन पे थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इस तरह से करेंगे तो एकदम स्मूथ लोइयां बनेंगी। तो बेलने में परेशानी नहीं होगी और भटूरे भी हमारे अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए सारी लोइयों को ऐसे ही हम चिकना करके रख लेंगे, उसके बाद हम बेलेंगे। भटूरों को बेलने के लिए मैंने लोई को रख दिया चकले पे, और इसमें ऑयल लगा देंगे अच्छे से, जिससे ये अच्छे से बेल जाएंगे ऐसे। थोड़ा सा चकला ऐसे राउंड करते जाएंगे, बेल लेंगे जैसे कि हम पूड़ी को बेलते हैं उस टाइप से बेल लेंगे। ये इधर से हमें बेलना है, तो ये कोना ले लिया। आप अपने हिसाब से भटूरों को छोटा या बड़ा बेल सकते हैं, जैसा भी आप खाना चाहें। भटूरा जो है बेलने के बाद थोड़ा सा
चिंक होने लगता है, तो हम इसको एकदम थोड़ा सा बेलेंगे, तो थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे क्योंकि कढ़ाई में जब जाएगा तो ये ऑलरेडी छोटा हो जाता है। तो ये मैंने एक भटूरा बेल लिया है और ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसको डीप फ्राई कर लेते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है तो एक साइड से मैं इस भटूरे को डालूंगी बहुत ध्यान से, और इसको घुमाते रहेंगे और इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे इस तरीके से, जिससे बहुत जल्दी फूल जाता है ऑयल डालने से। ये देखिए फूल गया, और इसको पलट देंगे। एक बार और हम इसको पलट लेंगे और ये इसी तरह से हम सारे भटूरे बनाते जाएंगे। आपने देखा एकदम फूला हुआ हमारा भटूरा बना है। गैस को बिल्कुल सिम नहीं रखना है, गरम तेल में ही हम डालेंगे। ये देखिए, और अब हम भटूरे को निकाल लेते हैं, टिश्यू पेपर में निकालेंगे जिससे इनका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाएगा टिश्यू पेपर में। तो ऐसे ही सारे भटूरे हम बनाते जाएंगे। दूसरा भटूरा भी उसी तरह से हम साइड से डालेंगे। ऑयल एकदम गर्म है हमारा। डालते जाएंगे इसके ऊपर, दबाते जाएंगे ये, और ये भटूरा भी हमारा फूल गया है। पलट देंगे इसको, भटूरे हमारे बनके बिल्कुल तैयार हैं। देखा आपने, एकदम फूले हुए भटूरे हमारे बिल्कुल बनके तैयार हैं, और छोलों का भटूरों के साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, तो मैंने इनको छोलों के साथ सर्व किया है। और अगर आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।